यूट्यूब ओपन करें, सर्च पर क्लिक करें, लिखें MI स्पेस TCS, सर्च पर क्लिक करें, फर्स्ट चैनल पर क्लिक करें जो अपना है, उसके बाद सब्सक्राइब बेल बटन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेटेक में। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप कैसे ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ई मित्र से अप्लाई कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ई मित्र लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर यूटिलिटी पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एडवांस जो है वहाँ पर क्लिक करना है। एडवांस पर क्लिक करके आपके तीन बॉक्स, इसके बाद कैटेगरी यूटिलिटी, उसके बाद डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करना है, ट्रांसपोर्ट वाला जो कि ऊपर की तरफ है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान सेलेक्ट कर लिया है, प्लीज़ वेट आ रहा है। उसके बाद आपको सर्विस सेलेक्ट करनी है। सर्विस यानी कि यहाँ पर दो अवेलेबल, या तो लर्नर के लिए अवेलेबल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास लर्नर है तो डायरेक्ट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों में से आप जो भी सेलेक्ट करना है आपको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैं लर्निंग लाइसेंस, नया लाइसेंस जो कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए बात करता हूँ, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। तो ओके बटन पर क्लिक करते देखिए, प्लीज़ वेट, यहाँ पर पेज ओपन हो गया है। सड़क परिवहन और राज मंत्रालय भारत सरकार का सार्थ लिख रहा है, उसमें आपको फिल एप्लीकेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड फोटो, LL टेस्ट, स्लॉट ब्लॉकिंग एंड पेमेंट ऑफ फीस जो है, पांचों जो स्टेप हैं वो आपको कंप्लीट करनी है। इसके अंदर पांचों आप कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपको फर्स्ट पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक। तो कंटिन्यू पर क्लिक करते ही फर्स्ट स्टेप जो है वो आपकी ओपन अप हो जाएगी यहाँ पर, जो जिसके अंदर आपको अपनी बेसिक डिटेल जो आपको, फिर यहाँ पर तीन ऑप्शन और है, आई डोंट हैव एनी लाइसेंस पर क्लिक करके उसको सबमिट करना है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लर्नर लाइसेंस के लिए यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ आपको भरना है, आप कोई अपना वोटर आईडी या आधार कार्ड को जो भी ले लीजिए, जिसमें आपका नाम, फादर नेम या आपका जो भी एड्रेस वगैरह जो भी सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद RTO ऑफिस जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का RTO ऑफिस लगता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये चीज़ ध्यान रखिए कि डॉक्यूमेंट जितने भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर रहे हैं, पिन कोड नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, वो किसी वैलिड डॉक्यूमेंट से आप यहाँ पर फिल कीजिए, ठीक है ना। तो प्रॉपर इसको फिल कर दीजिए, आप पूरे फॉर्म को आपको फिल करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट के ऊपर। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आप जो फॉर्म है, ये जो एक रिसिप्ट होगी वो आपके पास सम जनरेट हो जाएगी। इसको यहाँ से प्रिंट कर लीजिए ताकि आप एप्लीकेशन नंबर वगैरह जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास रहे। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको जो फर्स्ट जो स्टेप है वो क्लियर कंप्लीट हो गई है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, सेकंड है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपको चाहिए आयु प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं की सर्टिफिकेट हो सकती है, निवास का प्रमाण पत्र चाहिए और शपथ का फॉर्म एक चाहिए। तो अपलोड कर लीजिए इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद थर्ड स्टेप आ जाएगी, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तो आपको अपना जो नया फोटो है वो अपलोड करना है और उसके साथ अपने सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं, जो कि चूज फाइल जो है वहाँ पर आप चूज फाइल कीजिए, विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ से अपलोड कर दीजिए। उसके बाद सेवन कंटिन्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पर फोटो और जो वो दिख जाएंगे जो भी आपने अपलोड कराए वो। उसके बाद आ जाएंगे LL स्लॉट बुक, उसके अंदर आप अपने मोबाइल नंबर वगैरह डाल दीजिए। उसके बाद जिसके मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर आपके सिक्योरिटी कोड मिल जाएगा, OTP मिलेगा, उसको आप डालकर सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपको प्रोसेस टू बुक पर क्लिक करना है, आपका जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि डायरेक्ट पेमेंट मोड पर आ जाएगा, जितना ₹500 पेमेंट करना है तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या फिर ई वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर ई मित्रा से भी आप इसे सेंड कर सकते हैं। तो ये जो है वो प्रोसेस हो जाएगा पूरा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड वहीं जो होगा वही पासवर्ड होगा आपके लिए, जो कि मोबाइल पर OTP आ रहा वो। और उसके बाद आपको 30 दिन के अंदर जो है वो लर्निंग लाइसेंस जो है वो आपको मिल जाएगा। 30 दिन में मिलने के बाद उसके बाद आपको वापस से अप्लाई करना पड़ेगा नए लर्निंग, मतलब जो आपका लर्निंग लाइसेंस है उसको रिन्यू कराकर परमानेंट लाइसेंस जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर आपने, तो लर्निंग और रिन्यू ऑप्शन भी आप यहीं से यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। नीचे थम्स अप उस पर क्लिक कीजिए, मेरे वीडियो लाइक करने के लिए शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन पर क्लिक कीजिए और आगे जो बेल बटन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि नए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके आपको अपने स्मार्टफोन पर। सो गाइस दिस इज रैप अप टाइम फॉर दिस वीडियो, विल बी सी यू सून। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक करें सब्सक्राइब पर, क्लिक करें बेल बटन पर नए वीडियोस के लिए।